तो आज मैं एक बिगेस्ट शुगर केन फार्म को बिल्ड करने वाला हूँ, जिसमें शुगर केन तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल ही प्रोड्यूस होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो ये है मेरी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 23, जिसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी एंड तुम्हें भी एक लाइक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो मेरी तरह मेहनती बनो और एक लाइक जरूर करना। एंड जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी किसी भी सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। एंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आरपीसी गेमर्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसा कि तुम सभी लोगों को याद होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपने कैसल के इर्द गिर्द इस बड़ी सी वॉल को बिल्ड किया था, बट अब एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं जब ऑफलाइन इस सारे एरिया को प्लेन कर रहा था तो बीच में मेरे कुछ फार्म्स भी आ रहे थे, जिनसे मेरे वर्ल्ड की लुक खराब हो रही है, और जो चीज मेरे वर्ल्ड की लुक खराब करेगी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए आज मैं शुगरकेन फार्म को वॉल के बाहर बनाऊंगा, बट इस बार इसका बिगेस्ट वर्जन। एंड ऑब्जर्वर्स की जगह मैं बैरल्स यूज करूंगा एंड बाकी तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। सो पहले तो अपने शल्कर बॉक्सेस को खाली करते हैं एंड मुझे काफी सारे ग्लास के ब्लॉक्स भी चाहिए, इसलिए मैं सारी सैंड को अपने सुपर स्मेल्टर में डालूंगा ताकि ये स्मेल्ट होकर ग्लास ब्लॉक में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट मैंने अपने सुपर स्मेल्टर में थोड़ी देर AFK किया। एंड या ये काफी नहीं पड़ेगा। तो अब अपने शल्कर बॉक्सेस का सारा सामान यहाँ पर खाली करते हैं। नेक्स्ट मुझे पिस्टन क्राफ्ट करने के लिए बहुत सारी वुड चाहिए, बट उससे पहले सारे कोबलस्टोन को भी अपने सुपर स्मेल्टर में डालते हैं, क्योंकि मुझे इस फार्म में बहुत सारी स्टोन ब्रिक्स भी चाहिए। लेट्स गो। तो अब जब तक हमारे कोबलस्टोन स्मेल्ट हो रहे हैं, हम लोग वुड तोड़ लेते हैं। ओके, सो गाइस, काफी सारी वुड मैंने तोड़ ली है एंड अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम सारे रिक्वायर्ड आइटम्स को क्राफ्ट करें। ओके, तो पहले तो अपने सुपर स्मेल्टर से सारे स्टोन्स को पकड़ते हैं एंड इनको स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने कैसल में चलते हैं। क्या हो गया भाई? नेक्स्ट मुझे काफी सारा रेड स्टोन चाहिए, आयरन चाहिए एंड क्वार्ट्ज भी। उसके बाद मैंने काफी सारे पिस्टन्स क्राफ्ट किए, बट मेरा रेडस्टोन ही खत्म हो गया। भाई मुझे लगा ही था कि मेरे पास पड़ा होगा रेडस्टोन। नेक्स्ट मैंने काफी सारे और पिस्टन्स बनाए, रेडस्टोन रिपीटर्स क्राफ्ट किए, कंपरेटर्स बनाए, रेडस्टोन टॉर्चेस एंड बैरल्स क्राफ्ट किए। तो गाइज, अब मुझे अपने शुगरकेन फार्म को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी जंगल वुड चाहिए, जिसका मतलब है कि मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। One eternity later. All right guys, तो अपना सारा सामान क्राफ्ट हो चुका है। मालिक, मुझसे सामान खरीद लो। मालिक, भाई नहीं लेना तुझसे कुछ। मालिक, इस दफा मैं वीट सीड भी लाया हूँ। यार ये बंदा नहीं सुधरेगा। क्या भाग क्यों रहा है अब तुझे क्या लगा? तू गायब होकर आएगा तो मैं तुझे मार नहीं सकता। ये ले बेटे, गलत बंदे पे ठोक दिया तुमने। Can you tell us how an induction motor starts? हसदे चेहरे दा मतलब ही नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी। ओके, तो गाइज ये वाली जगह अपने शुगरकेन फार्म के लिए एकदम परफेक्ट है। सो पहले तो इसको क्लियर करते हैं थोड़ा बहुत। वेट, मैं नेदर ब्रिक की स्टेयर्स एंड स्मूथ स्टोन लाना भूल गया। तो पहले तो मुझे अपने शुगरकेन फार्म के स्टोरेज सिस्टम के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसके लिए मैं बाउंड्री पर नेदर ब्रिक्स की स्टेयर्स यूज करूंगा। नेक्स्ट मुझे ऐसे करके स्मूथ स्टोन से इसको फिल कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सारी चेस्ट को प्लेस करना है। नेक्स्ट मुझे सारी चेस्ट में इंडिविजुअली हॉपर्स को कनेक्ट कर देना है। ओके, तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ से आगे बिल्ड करने से पहले मुझे अपने XP के टारगेट को कंप्लीट कर देना चाहिए, वरना मैं बाद में भूल जाऊंगा एंड फिर तुम मुझे पक्का कमेंट में स्पैम करोगे कि भाई XP एम, एंड फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में डबल XP कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि अभी टारगेट को पूरा कर लूं। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा।
सो लास्ट वीडियो में फर्स्ट 2 डेज में मुझे 56 लाइक्स आए, जिसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो 56 का 30% होता है 16.8, एंड ऑल्सो इस सारी एक्सपी को कलेक्ट करने के बाद मेरी एक्सपी 100 को क्रॉस कर जाएगी, जो कि खुद ही में एक टारगेट है। सो फटाफट से 17 एक्सपी को कलेक्ट करते हैं। Right, तो अपनी एक्सपी फाइनली 100 को क्रॉस कर चुकी है, वैसे ये 1000 को भी क्रॉस कर सकती है, बस उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पर एक लाइक करना होगा। तो गाइज अब हम अपने शुगर केन फार्म को कंप्लीट करते हैं। सो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने हॉपर्स की एक और लेयर बनाई है, जिसमें मैंने सारे हॉपर्स को आपस में कनेक्ट किया है, ये देखो। तो इन हॉपर से सारा शुगर केन चेस्ट में जाता जाएगा, एंड अब मुझे ओवरफ्लो कंट्रोल सिस्टम बनाना है, जिसके लिए मुझे कुछ और हॉपर्स चाहिए। तो अब अपने ओवरफ्लो कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पर 5 से 6 हॉपर्स लगाने हैं, एंड इस चेस्ट के बाद शुगर केन इन हॉपर्स में आएगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ड्रॉपर प्लेस करना है अपसाइड डाउन करके, फिर यहाँ पर लावा डाल के इसको बंद कर देना है। नेक्स्ट इन 2 ब्लॉक्स को तोड़ के एक ब्लॉक इधर प्लेस करना है, एंड एक इधर। इस ग्लास को तोड़ के एक इधर, फिर ऐसे करके 4 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, एंड इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और, एंड इसके आगे 2 और, एंड इधर एक और। यहाँ पर कंपरेटर प्लेस करना है, एंड यहाँ पर रेडस्टोन रिपीटर, और बाकी जगह पर रेडस्टोन डस्ट प्लेस करनी है, एंड अपना ओवरफ्लो कंट्रोल सिस्टम रेडी। सो इस ड्रॉपर में जैसे ही कोई आइटम आएगा ये खुद ब खुद ही चल पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने अपने शुगर केन के लिए कलेक्शन एरिया बनाना स्टार्ट किया। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो मैंने एकदम पूरा वहां तक पानी का फ्लो बनाया है, एंड बीच में मैंने पैक्ड आइस का भी यूज किया है, जिससे क्या होगा कि जहां पर पानी खत्म होगा वहां से आइटम पैक्ड आइस से स्लिप होकर अगले पानी में चला जाएगा। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरे पास पैक्ड आइस कहां से आई, तो गाइस 18 पैक्ड आइस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, जो कि 2-3 वांडरिंग ट्रेडर से मैंने काफी पहले की ली हुई थी। तो गाइस फाइनली अपने बिगेस्ट शुगर केन फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं बिल्ड करूंगा टाइम लैप्स मोड में। एंड अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो बिना हिचकिचाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इस पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो भी बना दूंगा। एंजॉय द टाइम लैप्स। राइट गाइज, तो अपना बिगेस्ट शुगर केन फार्म एकदम फुली बन के रेडी हो चुका है, एंड इसमें मैंने टोटल 8 लेयर्स बनाई हैं, एंड ये डबल साइडेड है तो टोटल 16 लेयर्स हुई। रुको दिखाता हूँ इसमें कितना सारा शुगर केन ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है, ये देखो भाई। एंड अभी भी ये स्लो है, क्योंकि इस फार्म को बनाते टाइम एक क्रीपर यहाँ पर खुद ही फट गया था, जिसकी वजह से मेरी पैक्ड आइस डिस्ट्रॉय हो गई,
एंड काफी शुगर केन ऊपर ही रुक रहा है, बट इसको मैं रिपेयर कर लूंगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे और भी बड़े बड़े फार्म्स बिल्ड करने वाला हूं। बट तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। रेस्ट इन पीस ट्रेडर भैया। You know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for.